वेलकम टू माई चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि होता है ना, जिसकी चाहत होती है वो मिल जाता है, उस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप गेस भी कर सकते हो कि मैं आप लोग के साथ किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि मैं आज किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। सो चलिए मैं ही बता देती हूँ, आज मैं करने वाली हूँ इस पैलेट का रिव्यू, कफल नेसेस दैट सो मी पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बाई लुक तो बहुत ही अमेजिंग है, जिसको देख के आपके अंदर वो चाहत जम जाती है कि यार मुझे तो ये चाहिए। सो मैं इस पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ। सो ये निधि कटियार मैम, जो कि एक यूट्यूबर हैं, सो उनका एक खुद का वेबसाइट है कफल लैसेस, तो उन्होंने वहीं पे ये पैलेट लॉन्च किया है, ये न्यू लॉन्च है। सो लास्ट उन्होंने लॉन्च किया था कफल लैसेस का ही ब्रश शेड, जिसमें फेस मेकअप ब्रशेस भी थे एंड आई मेकअप ब्रशेस भी थे। सो वो उसके रिव्यू भी मैंने देखे हैं, मैंने वो परचेज नहीं किया था बट मैंने उसके भी रिव्यू देखे, बहुत ही अमेजिंग रिव्यू आए हैं गाइज। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पे एंड गुड क्वालिटी के ब्रशेस चाहते हो तो आप वो जरूर ट्राई करें। बट मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ये लेना था, मुझे इसकी क्योंकि उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे पहले ही उन्होंने भी बता दिया था कि हाँ वो ये भी लॉन्च करने वाली है एंड ब्रशेस भी लॉन्च करने वाली है, हिंट उन्होंने दिया हुआ था। सो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये चाहिए, पहले मैं ये लूंगी, सो इसलिए मैंने ब्रश सेट नहीं लिया था। सो मैं आज आप लोगों के साथ इसी का रिव्यू शेयर करूंगी कि ये कैसा वर्क करता है, इसकी प्राइस क्या है, सो ऑल ओवर जो भी डिटेल है इसकी मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो जानने में कि हाँ ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अब ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आई मेकअप अपना नहीं किया हुआ, मैं बिल्कुल ही एवी बैठी हुई हूँ यहाँ पे आप लोग के सामने। सो मैं एवी इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं इस पैलेट को यूज करके मैं आपके सामने एक आई मेकअप क्रिएट करूंगी। मुझे भी नहीं पता है कैसा करूंगी, क्या करूंगी, नहीं करूंगी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं आपके सामने मैं इसे यूज करूंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों को ही बता पाऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है, नहीं करता है, ऐसे बोलने से बोल बच्चन करके कुछ पता नहीं चलता है, तो चीजें करनी पड़ती है तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है, कैसा है, नहीं है, मुझे भी समझ में आ जाएगा आप लोगों के सामने ही। सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो सो नो डाउट गाइज, उन्होंने इतने मोटे, आप देख सकते हो, मैंने तो इसे निकाल दिया बट आप देख सकते हो कितनी मोटी बबल रैप में होके ये आया था। मीन जब ये आया था ना, मैंने इसे खोला तो एक बबल रैप बहुत ही अच्छे से, एक बबल रैप में वो अच्छे से पूरा सेलो टेप जो होता है वो पूरे ऑल ओवर में सेलो टेप मारा हुआ था, तो वो तो खुलने से रहा, तो मैंने उसे कैची से ऐसे पूरा कट कर दिया था, तो मुझे लगा कि वो निकल जाएगा। उसके बाद जब इतना मोटा लेयर था उस वाले बबल रैप का, उसके बाद उसके अंदर एक और लेयर था बबल रैप का, वो बस ऐसे ऐसे करके जो रैप होता है ना, उसमें कोई सेलो टेप नहीं मारा हुआ था बट वो भी दो लेयर में था। सो इन्होंने बहुत अच्छे से बबल रैप करके भेजा था। सो देन ये आपको मिलता है इस तरह के एक और रैप में, आपको ये इस तरह के और एक पैकेजिंग में मिलता है। सो ये एक समथिंग, सो ये प्लास्टिक की है बट बहुत ही वो हाई क्वालिटी की प्लास्टिक आती है ना, ये उस टाइप की प्लास्टिक में ये आपको मिला है, ताकि आप इसमें रखो तो ये जो इसका जो इतना क्लासी सा जो इतना क्लासी का जो इसका पैकेजिंग है ये खराब ना हो, तो इसमें आप रख सकते हो इसको। एंड इसकी जो पैकेजिंग है ये जो है ये वुड की है, एंड मैंने मैम का भी रिव्यू देखा था इस पैलेट पे, सो उन्होंने बताया था कि ये पेड़ को काट के नहीं बनाया गया है, ये वुड की तो है बट इसे पेड़ को काट के नहीं बनाया गया है, जो सूखे जो लकड़ी होते हैं ना, जो वेस्ट लकड़ियाँ होती हैं उन्हें यूज करके ये बनाया गया है, इसका जो ये वुड का जो ये पैकेजिंग है ये उसे यूज करके बनाया गया है, दैट इज ऑल्सो सो इम्प्रेसिव। एंड देन बात करते हैं इस पैलेट की। सो आप देख, सबसे पहले बात करते हैं इस पैलेट के डिजाइन की गाइस, लुक एट द कलर, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी क्लासी कलर है इस पैलेट की ना, कि मैंने बोला ना कि आपको मन कर जाएगा इस पैलेट की कलर को देख के कि मतलब इसे ग्रैब कर लूं। सो आप देख सकते हो
इतना प्यारा है। ओ माई गॉड गाइस, दिस अमेजिंग अमेजिंग। एंड यहाँ पे एक दिल का साइन बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो मतलब एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बहुत ही। एंड जो हैंड राइटिंग है इस पैलेट की, दिस इज ऑल्सो सुपर, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको अपनी तरफ। एंड इस पे आपको मेंशन किया हुआ, एंड इस पे आपका नेम मेंशन किया हुआ है, दैट्स सो मी 32 कलर प्रेस्ड आई शैडो एंड कफ एंड लैसेस, जो इनकी वेबसाइट है। एंड जो है ये ब्रांड जो इसका कफ एंड लैसेस वो मेंशन किया हुआ है। देन हम बैक साइड जाते हैं, सो बैक साइड में यहाँ पे आपको दैट्स सो मी 32 कलर प्रेश आई शैडो जो आप नेम है वो मिल रहा है। देन आपको नीचे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, डिटेल है, जितनी भी डिटेल है वो सब आपको यहाँ पे मिल रही है, ऑल ओवर थिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है पीछे। एंड देन आपको यहाँ पे एमआरपी मिलती है, तो इसकी रियल जो एमआरपी है वो है 1799 रुपीज। एंड बट मुझे ये ऑन द डिस्काउंट मिला था, जो इसकी लॉन्च प्राइस थी, मैम ने लॉन्च प्राइस डिस्काउंट पे रखी हुई थी, तो जिसपे आपको शायद 44% डिस्काउंट था, जिसपे कि ये मिल रहा था 999 पे मिल रहा था, सो मैंने भी इसे 999 पे ही मंगवाया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी पैकेजिंग जो डेट है, जिस टाइम ये पैकेज हुआ है, मीन्स बना है, मैन्युफैक्चर जो डेट कहलाता है वो है जून 2020। एंड ये एक्सपायरी डेट है इसकी जुलाई 2023, जो कि बहुत लंबी डेट है, बहुत टाइम तक चलने वाली है ये, बिल्कुल अच्छी खासी टाइम तक चलने वाली है। उसके बाद ये आपको मिल रहा है, क्यूरिलिटी फ्री मिल रहा है, आपको पैराबिन फ्री मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैलेट, दिस इज अ मेड इन इंडिया। सो अभी जो टाइम चल रहा है, जो चीजें हमारे आसपास चल रही है, उसको देखते हुए हमें जितना हो सके अपने इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन चीजों को प्रमोट करना है, यूज करना है, उसे आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारे इंडिया को फायदा हो। इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको इंडिया का प्रोडक्ट मिल रहा है। हम करेंगे इसे ओपन, तो ये ओपन होता है इस तरह से, एंड इसके ऊपर आपको मिलता है ये एक पॉलिथीन का कुछ मिलता है, जिससे कि आपके जो कलर्स है वो सेफ रहे। एंड इसका जो लॉक है वो एक मैग्नेटिक लॉक है, जिससे कि ये बहुत ही इजिली बंद हो जाता है, बहुत ही इजिली खुल जाता है। सो या एंड या लुक एट द कलर गाइज, बहुत ही अमेजिंग कलर। एंड आपको जो कलर्स है ना वो कोऑर्डिनेशन में मिल रहा है, आप देख सकते हो ये है न्यूड का कॉम्बिनेशन, न्यूड एंड देन थोड़ा डार्क, देन थोड़ा डार्क एंड सबसे डार्क। सो ये आपको ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये आपको जो आप कह सकते ना येलो इस ग्रीन का वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कलर्स के कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिस हिसाब से आप, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई भी आई मेकअप करते हैं तो हमें डार्क शेड भी चाहिए होता है, लाइट शेड भी चाहिए, तो जब हम एक पर्पल शेड लगा रहे हैं तो उसे ब्लेंड करने के लिए हमें लाइट पर्पल या पिंक शेड भी चाहिए होता है। सो या तो इस हिसाब से आपको ये कलर मिल रहा है। एंड इसमें आपको मैट शेड मिल रहे हैं, शिमरी शेड मिल रहे हैं, एंड जो एक फ्रेश शिमर आता है वो भी आपको मिल रहा है। एंड सबसे अमेजिंग पार्ट जो है वो इसके नेम्स हैं, इसके जो कलर्स के नेम है वो इतने इंटरेस्टिंग नेम है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप देख सकते हो ब्लिंग, बॉस बेब, ओ माई गॉड, शैसी, शाए, मस्तानी, लव, स्वीट, विटी, श्वैग, ड्रीमर, ओ माई गॉड, ऐसे नेम, आई जस्ट लव दिस नेम गाइज, मीन्स इतने अमेजिंग नेम्स है ना। तो पैकेजिंग की बात हो गई, देन इसकी प्राइस की बात भी हो गई। सो थैंक्स टू निधि मैम, जो उन्होंने हम लोगों के बारे में, हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स के बारे में, जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके बारे में सोचकर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आई जस्ट लव यू मैम, लव यू सो मच। सो अब मैं आपको इसके कलर्स की पिगमेंटेशन, पे ऑफ कलर कैसी है, कलर की पिगमेंटेशन कैसी है, ये कैसा वर्क करता है, अब मैं वो आपको दिखाऊंगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप आप लोग के सामने, एंड मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर ले रही हूँ कंसीलर अपने आईलिड पे, एंड उसे अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो भी कलर अप्लाई करें एंड वो अच्छे से अप्लाई हो।
एक और चीज बता दूं कि अगर आप कोई भी ब्राइट कलर यूज कर रहे हो तो आप कंसीलर अगर यूज किए हो तो उसके बाद आप उसे सेट ना करें। इससे जो आप ब्राइट कलर यूज कर रहे हो ना उसकी पिगमेंटेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये शेड, एज अ ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ मैं। सकते हो ब्रश ने कितने अच्छे से कलर को पिक किया है, इससे आप सोच सकते हो कि कलर की पिगमेंटेशन एंड कलर का पे ऑफ कितना अच्छा होगा। सो एंड गाइस लुक एट द पिगमेंटेशन। सो मैं फ़ोन से अपना वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए आपको नहीं अच्छे से लग रहा होगा इसका पिगमेंटेशन, बट ट्रस्ट मी गाइस रियल में ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब एक स्ट्रोक में ये इतना अच्छा पिगमेंटेशन दिया है, इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव है ये। सो इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से एंड आप मेरा पसीना देख सकते हो, कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। सोचो आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, बट आप हो कि बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाते। देन मैं पिक कर रही हूँ ये डार्क पिंक शेड जिसका नेम है मूडी। सो इसे मैं आउटर कॉर्नर से लेते हुए अपने क्रीज में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड कलर पिगमेंटेशन ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छी है, आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा कलर पिक करने की। सो मैंने जो कंसीलर अप्लाई किया है उसके ऊपर मैं ये कलर अप्लाई करूंगी, इस कलर का नेम है ड्रीमर। सो ये ग्रीनिश टाइप ऑफ कलर है, सो उस पर मैं ये अप्लाई करूंगी। एंड मैं ये जो स्पॉन्ज एप्लीकेटर आता है ना, मैं उसकी हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। ओ वाओ, कितना ज़्यादा प्रिटी है गाइस, कितना अमेजिंग पिगमेंटेशन है, आई टेल यू अमेजिंग है। देन मैं लूंगी ये शिमरी सा शेड जिसका नेम है स्पाइसी। इसे हल्का सा मैं अपने लिड आईलिड पे अप्लाई करूँगी। सो गाइस बहुत ही समरी सा पिंक के ग्रीन आई मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। सो मैंने एक पिंक के साथ, पिंक पर्पल आई मेकअप के साथ ही ग्रीन विंग आईलाइनर कह सकते हो कि मैंने वो दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्राइट सा लुक लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम टीनएजर्स टाइप ऑफ लुक आ रहा है, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। देन मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। सो मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ ये शेड जिसका नेम है फ्यूरियस, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है। सो या गाइज, देन मैं जल्दी से आती हूँ फॉल्सेस लगा के। तो गाइज आप देख सकते हो कितना प्यारा आई मेकअप आया है इस पैलेट को यूज करके, एंड मैंने बस एक बार पिक किया है कलर, जितने भी कलर जो मैंने पिंक लिए हैं जिसका नेम था मूडी, जो एक कलर था जिसका नाम था कली नाम था जिस कलर का, वो सारे जो फर्स्ट ट्रांजिशन शेड था एंड जो सेकेंड कलर था वो सब मैंने बस एक बार पिक किया है, एंड उसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है। ट्रस्ट मी, मैंने बस एक बार पिक किया था, इससे आप पता लगा सकते हो कि कलर की जो कलर पे ऑफ है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है। एंड अब बात करते हैं कलर के ब्लेंडिंग की, तो कलर ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है, मैंने बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं देना पड़ता, बिल्कुल आपको ऐसे 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 घसना नहीं पड़ता है दो मिनट के लिए, बहुत ही ईजिली ब्लेंडिंग हो जाता है, बहुत ही जल्दी ब्लेंडिंग हो जाता है, ब्लेंडिंग में कोई इश्यू नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करने नहीं आती है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इस पैलेट के साथ, आप बस दो बार अच्छे से ब्लेंड करोगे, आपका कलर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कलर के फॉल आउट की, तो कलर का कोई भी फॉल आउट नहीं है, चाहे वो मैट कलर हो, शिमर शेड हो, प्लस शिमर हो, किसी भी कलर का कोई भी फॉल आउट नहीं है। जो मैट शेड है उनका थोड़ा बहुत फॉल आउट है, वो तब है जब आप इसे ब्रश में पिक करते हो ना, तब थोड़ा बहुत उस टाइम फॉल आउट होता है आपके पैलेट पर ही, लेकिन ब्लेंड करने टाइम कोई फॉल आउट नहीं होता है किसी भी कलर का।
सो ओवरऑल ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है. सो मैं यहाँ पे आपको कुछ कलर के स्वेचेस भी दिखा देती हूँ. सो मैं पिक कर रही हूँ दिस शेड, दिस येलो शेड एंड दिस शेड. सो आप देख सकते हो गाइस, कलर की पिगमेंटेशन भी बहुत प्यारी है. आपको मैं स्वेचेस दिखा रही हूँ. आप चाहो तो इस पैलेट को यूज करके फुल फेस मेकअप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको पिंक शेड भी मिल रहा है जिसे आप एज अ ब्लश यूज कर सकते हो. आपको ब्लैक ब्राउन भी मिल रहा है जिसे आप अपने आईब्रो को भी फिल कर सकते हो, कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो. अगर आप कलर की बात करो तो बहुत ही अमेजिंग कलर आपको मिल रहे हैं. हर एक टाइप का कलर आपको मिल रहा है. वार्म कलर मिल रहा है, ब्राइट कलर मिल रहे हैं. अगर आप ब्राइट टाइप के आई लुक करना ज़्यादा प्रिफर करते हो, आपको ज़्यादा पसंद है ब्राइट टाइप के, इस टाइप के आई लुक करना जो कि बहुत ही ब्राइट ब्राइट टाइप का लगता है, सो आप तो भी ये पैलेट को प्रेफर कर सकते हो. बट अगर आप वार्म कलर, न्यू कलर प्रेफर करते हो तो भी आप देख सकते हो. इधर आपको वार्म मिल रहा है, बहुत ही सिंपल शेड मिले हैं. देन आपको यहाँ भी वार्म शेड मिल जा रहे हैं. सो ओवरऑल ये सबके लिए, हर एक टाइप के लोगों के लिए, मीन्स जो मेकअप करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा पैलेट है. एंड एक इंडियन ब्रांड इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतना अच्छा कलर दे रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कलर दे रहा है. आप चाहते हो आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैलेट हो एंड इसके कलर भी बहुत अमेजिंग कलर हो, तो आपको बहुत हाई टाइप के ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि मेकअप रिलेशन, ब्यूटी ग्लेज, इन सब की तरफ जाना पड़ेगा. बट अब आपको इन सब को छोड़कर इस पैलेट की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हो, इस पैलेट को ले सकते हो. हर एक वे में थम्स अप फॉर दिस पैलेट. सो यू कैन गो बाय दिस पैलेट. अभी भी शायद डिस्काउंट चल रहा हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप डायरेक्ट कफल लेसेस के वेबसाइट पे जाके इसे परचेस कर सकते हो. डिस्काउंट चल रहा होगा तो ये आपको 999 में मिलेगा, और अगर डिस्काउंट नहीं चल रहा होगा तो ये आपको 1799 रुपीज में मिलेगा. सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पैलेट. अगर आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा हो आपके लिए जरा सा भी, तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दी बेल एंड हिट दी बेल आइकन, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे. सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बाय, टेक केयर.